नाथन बेटर वन ऑफ द स्पॉट की टीम के हमारा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। क्लिफ्टन का इलाका है ये, सिविल लाइन सब डिवीजन सिविल लाइन है, फातिमा बशीर एसी सिविल लाइन मेरे हमारा। इसके अलावा UTA जो असिस्टेंट अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं इब्राहिम अरबाब, हम यहाँ पर प्राइस चेकिंग कर रहे हैं। हम चलते हैं मजीद देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है। वैसे ये क्या ये क्लास ए है बी है? क्लास ए अरेंजमेंट है, इनकी बेकरी क्लास ए में फॉल नहीं करती, क्लीनलीनेस के अतबार से मौजूद है। लेकिन इनसे जब शॉपिंग कराई गई है इससे पहले इन्होंने एक किलो के पीछे 50-50 रुपए और इससे ज़्यादा का फर्क बताया है। क्योंकि इलाका ऐसा है ना, यहाँ बाइंग पावर ज़्यादा है तो इसलिए वो कोई मोल तोल भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। अभी आपको मैं एक टोकन फाइन कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे आई और यही रेट हुए तो आपको इससे फाइन डबल होगा और साथ में आपको जेल कस्टडी में भी दिया जाएगा। ये दुकान वाले चले गए हैं, इससे आने खरीदारी की थी आने से पहले, लेकिन उसके बाद उनको शायद शक हुआ हो तो चले गए बंद करके। देखिए कपड़े शपड़े बिछाए हुए, कानून तो होना चाहिए ना कि अगर भाग गया हो तो बच गया। इसमें ये समझते हैं कि ये इससे बच जाएंगे, थोड़ी देर के बाद जो इलाके की पुलिस है उसको हम इनका चालान काट के दे देते हैं और वो ये दोबारा यहाँ पे आएंगे और उनको लेके जाएंगे। बड़ा आसान तरीका होता है कि दुकान भर के चीज़ें छोड़ के भाग जाएं और वक्ती तौर पर बच जाएं वो बहरा। अब बात ये कि देखते हैं मजीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बात में बशीर एसी सिविल लाइन में हम रहें और प्राइस चेकिंग रमजान मुबारक के हवाले से हम कर रहे हैं। देखते हैं कि और ये पोश इलाका है नाजिम, इस पोश इलाके में जो है यहाँ पर पाइप पावर ज़्यादा है, इस बाइक पावर के ज़्यादा होने की वजह से जो लोग भी मोल तोल नहीं करते इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ शरह ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा सीन होना चाहिए कि जो भाग जाए तो उनके या तो दुकान को सील कर दिया जाए या कुछ ऐसी सूरत हाल की जाए कि आइंदा उनके अंदर खौफ पैदा हो। एक्चुअली हम उनको मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ के ऊपर कंपेल करने की कोशिश करते हैं कि वो जो फ़ाइन हमने एक दफ़ा उनको कर दिया है उसकी पेमेंट करें। उसके लिए हम मुख्तलिफ टेक्टिक्स अपनाते हैं, जैसे समटाइम्स मेरा एक ये तरीका है कि वेइंग स्केल जिस तरह शॉप से बड़े होते हैं उनको मैं कॉन्फिस्केट कर लेती हूँ, उसको हम थाने पहुँचा देते हैं और वो लोग जिस वक्त को अपनी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए थाने आते हैं उनसे फ़ाइन ले लिया जाता है और चीज़ें उनको वापस हैंड ओवर कर। देखिए सामने ही सारे बंद करके भाग गए, ये आप चली जाएंगी फिर उसके बाद ये खोलेंगे और फिर अपनी मनमानी रेट पर बेचेंगे। देख रहे हैं नाज़रीन की तमाम जो है इसी सब लाइन की आमद के साथ ही जो है वो फरार हो चुके हैं और बाकायदे तौर पर इन्होंने अपनी दुकानों पर कपड़े डाल दिए, तो ये इसका मतलब है कि ये वायलेशन में मसरूफ़ होंगे। बाहर से बंद किया हुआ उन्होंने, सेल बंद की हुई है। नाज़रीन क्लिफ्टन ब्लॉक 2 है, चाइना टाउन के नाम से मशहूर है ये, और यहाँ पर इसी सिविल लाइन फातिमा बशीर और इब्राहिम अरबाब के साथ हम यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ देखेंगे कि मज़ीद आगे चल के देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन बहुत ही अजीब सी बात है कि पहले से ही वो उनको असिस्टेंट मजिस्ट्रेट की आने की इत्तला मिल जाती है और ये सारे तमाम फरार हो जाते हैं। हम मज़ीद आगे चल रहे हैं और देखते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है और किस पे कहाँ जाती हैं और क्या कार्रवाई करती है। लड़का है पकौड़े किस तरह किलो हैं, समोसे किस तरह हैं, लिस्ट वगैरह लगाई है? लिस्ट उसने लगाई थी उतने लड़के उठा कर ले। कौन से लड़के? ये जो कचरे वाले घूमते रहते हैं इधर लगाए हुए थे। क्या ये जो छोटे बच्चे नहीं घूमते रहते? छोटे बच्चे ले गए जी जी। अच्छा तो कानून कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि यानी कोई ले गए तो ले गए? नहीं नहीं लेने की बात नहीं सर, लगाएंगे अभी जिससे भाई आ रहे हैं उनके पास। समोसा 10 रुपए का दाना दे रहा है, आलू वाला 10 रुपए का। कितना बता रहे हैं दर्जन? 10 रुपए का एक समोसा दर्जन 120 का दर्जन। झूठ बोल रहा कोई है यहाँ खरीदार जो यहाँ से समोसे वगैरह खरीदते हो? क्या सब खरीद सर? 10 रुपए का ही दिए, 120 रुपए दर्जन दिए। कब लिया? डेली लेता हूँ। आपकी प्राइस लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, प्राइस लिस्ट आपकी हर वक्त लगी हुई होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि कोई उठा के ले गया, और वाजिया तौर पे यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए।
कार्रवाई क्या की, मतलब क्या? इनकी प्राइस लिस्ट डिस्प्लेड नहीं है और जो ये रेट बता रहे हैं वो जो आसपास के लोग हैं वो इससे ज़्यादा रेट इनका कोट कर रहे हैं पर डजन समोसास पे। तो मैंने अभी इनको फ़ाइन इम्पोज किया है। हमारा तरीक़ाकार प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंडर ये होता है कि आप एक दफ़ा फ़ाइन करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर आप उसी शॉप पर उससे ज़्यादा अमाउंट होती है तो उसको डबल कर दिया जाता है उस अमाउंट को। थर्ड टाइम अगर वही चीज़ होती है तो इनको अरेस्ट किया जाता है। अभी कितने के हैं? 10,000 फाइन की प्राइसिस ना होने की वजह से। ठीक है जी, चले जी, आपने सुन लिया नाज़रीन, हमें मज़ीद आगे चल के और आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। डिपार्टमेंट स्टोर में हम दाखिल हो रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। आपका सेल्समैन वगैरह नहीं, कौन फ्लोर मैनेजर कौन है अभी? उनको बुलाएं जरा आप। ये पैके आइटम भी कोई एक आदमी आ जाए ना इधर। आपका ग्रोसरी आइटम किधर है? ये तरीक़ाकार नहीं है प्राइस लिस्ट डिस्प्ले करने का। आपको प्राइस लिस्ट जो कमिश्नर की तरफ से इशू हुई हुई है उसको इस तरह डिस्प्ले करना है कि वॉक इन कस्टमर को पहली चीज़ वो दिखाई दे। ये जो आपका सामने डोर लगा हुआ है इसके ऊपर उसको डिस्प्ले करें। और ये जो आपने इसका प्रिंट लिया है ये इतना माइन्यूट है कि ये प्रॉपरली, मतलब जो ऐनक पहनता होगा उसको तो ये दिखाई नहीं। नहीं मेरे भाई, ये इस तरह से डिस्प्ले नहीं करना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये फर्स्ट टाइम की प्रैक्टिस नहीं है। मतलब ना सिर्फ रमज़ान में, आगे पीछे भी आपको ये इंस्पेक्शन की जाती है कि इसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं क्लियरली। हमें अंडे किस तरह दे रहे हैं? अंडे अभी मैंने 90 रुपये ले रहे हैं। चीनी किस तरह किलो दे रहे हैं? 65 रुपये। अच्छा, और दाल माश? दाल माश में दे रहे हैं 90 रुपये। आपकी प्राइसेस में फ़र्क क्यों है? जो कमिश्नर साहब की प्राइस है उससे फ़र्क क्यों बता रहे हैं? असल में मैम पैकिंग की वजह से जो है हमें थोड़ा सा बाहर से महंगा मिलता है, वो इस वजह से। आप ऐसा क्यों नहीं करते? जो आपके मार्जिन में फॉल नहीं करते, कमिश्नर प्राइस के अकॉर्डिंगली नहीं है, आप वो ना उठाएँ मार्केट से। लेकिन जो कमिश्नर साहब ने जो प्राइस इशू किए हैं, नोटिफाई किए हुए हैं, उसको एज इट इज़ फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें बेसन वगैरह जो होता है, बेसन वगैरह क्या साहब? सर बेसन 110 रुपये। अच्छा मैडम, ये कि ये डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं उसमें 10% जो है छूट देते हैं, जो आम जो मार्केट के उसके 10% इन्होंने मतलब कि ये ऑफ देते हैं। उस हवाले से भी अगर लिस्ट में जो रेट है आपके, उस रेट के हिसाब से कितना डिफरेंस कितना है? सर 10% आप ऑफ लगा लें, अगर रेट पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से 10% आप ऑफ कर लें। क्या मतलब, आपको पता नहीं है क्या रेट चल रहा है बेसन का? सर कह रहा हूँ मैं, 110 रुपये जैसे लिखा हुआ है ना सर, 10% उसमें ऑफ हो गया तो 100 रुपये हो गए। अभी मेखर बेरो वाले हैं, रेट पता है? रेट है, रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट तो ये है आपके पास ना? इसके हिसाब से चल रहा है जी सर, इंशाल्लाह। पीछे दालों के साथ भी यही लगा हुआ है, यही लगे हुए हैं, सब पे टैग भी लगा हुए और यही लिस्ट जो है ना पीछे भी लगाई हुई है, देखिए कंज्यूमर के लिए कि अगर जो वो रेट देख के यहाँ पे देख के वहाँ से परचेज भी कर सके, कि अगर हमारे पास भी कंप्लेन लेकर आए कि अगर आप सर महंगी दे रहे हैं या कुछ इस हिसाब से, तो ये भी हमने पीछे भी दालों के साथ भी यही प्रिंट हमने लगाया हुआ है। और दाल आपने जो मुझे रेट्स बताए हैं वो हर एक आइटम के पीछे 5 या 6 रुपये आप मुझे ज़्यादा बता रहे हैं। फिलहाल सर आप जो चीज़ कह रहे हैं कि 10% की इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स को छूट है, इस दफ़ा मीटिंग के दौरान भी कोई चीज़ इस तरह की डिसाइड नहीं हुई। मेरे नॉलेज में ये आया था कि प्रीवियसली ये प्रैक्टिस रही है कि उस टाइम जैसे पिछला रमज़ान में था तो कमिश्नर साहब ने कुछ इस पर छूट दी थी, लेकिन नॉट दिस टाइम। इट्स नॉट, मतलब अभी आप 10% के डिस्काउंट नहीं दे, मतलब कि एक्स्ट्रा नहीं दे रहे? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। आपकी जो चीज़ें पड़ी उस पर टैग लगा हुआ? जी सर, दालों पे टैग नहीं लगा हुआ लेकिन शेल्फ पे लिखा है। प्लीज़ आएँ जरा। ये सारे ये चीनी है लेकिन इस पर इन्होंने टैग वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ, नहीं है। ये देखे ना, इस पर भी नहीं लगी हुई। अब शेल्फ पे कौन देखेगा, इतना कौन नज़र आता है, कैसे नज़र आएगा? नहीं, ये देखे, इस पर भी टैग नहीं है कोई भी वाइट। बुलाइए इनके, जो बुलाएं सर इनको, आ जाए भाई। बाकी ये है कि ये चना ब्रांडेड पर किया हुआ लेकिन इसका भी रेट नहीं है, कोई रेट नहीं है। आपकी
हर शेल्फ के ऊपर बिल्कुल वाजिया तौर पर रेट का डिस्प्ले होना ज़रूरी है। ये तमाम शेल्फ्स किसी रेट के से खाली हैं, आप देख रहे हैं, ये क्लियरली वायलेशन है हमारे लोग। तो इनका टैक्स होने चाहिए ना, टैक्स की तरह रेट नहीं, ऐसे सर नहीं, आप इनकी एटलीस्ट शेल्फ के ऊपर ज़रूर डिस्प्ले करें और बिल्कुल वाजिया तरीके से। सर ये तो गार्ड का जैसे ब्रांडेड है, ये तो ब्रांडेड आता है ना, तो इसके ऊपर इस तरीके से फ्री में सर करवा, नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत ना। जी जी इंशाल्लाह, आप नेक्स्ट टाइम चक्कर लगाएंगे आपको खुद महसूस हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी। ओके, तंबी ही एक दौरा था, ये इन्होंने तंबी की है और ऐसी सब लाइन ना कि नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो थोड़ा सा जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो दुरुस्त कर लें। इसमें जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इनमें वायलेशन ज़्यादा है, इसलिए कि ये अपनी मर्जी से सारी चीज़ें फरोख्त करें। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जिनको हमने अभी रिसेंटली इसी वजह से कि वो अपने मन चाहे उसके प्राइस टैग्स लगा रहे थे, उनको फाइन किया है, उनकी भी चेकिंग साथ साथ जारी है। इसलिए कि डिपार्टमेंट स्टोर्स में अक्सर जो है वो अपनी अपना नाम दे देते हैं ब्रांडेड, लेकिन वो उसमें ये टैक्स वगैरह नहीं होते। नहीं, ये इनका अगर ब्रांड प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है तो वो उसको अपने नाम से डिस्प्ले नहीं कर सकते। ये भी एक डिपार्टमेंट स्टोर है मेरा ख्याल है, ये भी एक मार्ट है। चलिए एक और मार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सब डिवीजन सिविल लाइन में हम मौजूद हैं और हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर और क्या सूरत हाल है। वाजिया तरीके से इस डोर के ऊपर डिस्प्ले कराएं, आपने सिंपल प्रिंट निकाल के यहाँ लगा दिया है। आमतौर पर प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप प्राइस डिस्प्ले करते हैं तो उसको थोड़ा सा साइज इनलार्ज करके ये हमें जो दे गए तीन चार दिन पहले दे गए थे वो देखिए, उन्होंने सिर्फ आपको एक प्राइस कम्युनिकेट किया है, कस्टमर तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ है, आपको इसको वाजिया तौर पर यहाँ डिस्प्ले करना है। ये जो आप अभी जिस तरह से आपका यहाँ पे डिस्प्ले है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी आपने निकाल के वो टेप लगा दी है, आधी उखड़ी हुई और आधी निकली हुई है, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। अंडे रखे हुए हैं जी? हाँ। किस तरह दर्जन है? 87। बाकी ग्रोसरी आइटम वगैरह भी हैं जी सर? ग्रोसरी आइटम्स भी हैं। ग्रोसरी आइटम की बात करूँ, ये तो ब्रांडेड है, जैसे मिसाल चावल है, चीनी है, बेसन है, इधर आ जाए मैडम, बेसन है, दालें हैं, ये खुद आप पैक करते हैं? ये कंपनी से लेते हैं सर। चीनी कहाँ, चीनी कहाँ डिस्प्लेड है? चीनी किस तरह से दे रहे हैं? 66। इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ? नहीं है ये कुछ नहीं, बस ये आप कस्टमर को क्या बताएंगे? उल्टा वैसा लगा 99। अच्छा, आप इसकी एक चीज़ होती है कि इसके ऊपर चिट लगेगी, अगर आप इसके ऊपर चिट नहीं लगा रहे तो एटलीस्ट आपकी इस जगह पे प्रॉपरली चीनी साथ आइटम लिखा हुआ हो और साथ में डिस्प्ले। अच्छा, ये करना ज़रूरी है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह। सर आप लोगों को नहीं पता इस बात है, ये इंशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं? मैंने इसे नहीं पता इस बात है, पता है ये जो है ना इसी पे लगाते पहले इस सिर्फ जब रजिस्टर्ड आता है तो उस वक्त इंशाल्लाह माशाल्लाह करना शुरू कर देते हैं, वरना उससे पहले आप लोगों को सब पता होता है। लाजमी सी बात है कि ये प्राइस चेकिंग फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रही है, एक तवील अरसे से हो रही है, तो तमाम लोग जो हैं इस बात से ट्रेंड भी हैं, लेकिन बात वही है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो एक हमारी आदत बन चुकी है। रेगुलर ऑपरेशन है जो डेली बेसिस के ऊपर जितने प्राइस रजिस्टर्स हैं हमारे, प्राइस लिस्ट तो है लेकिन वो प्राइस लिस्ट से कहीं भी नहीं बिक रहा होता। डेली बेसिस के ऊपर हमारी एक बड़ी तादाद है शॉप्स की
जिनको चेक किया जाता है कि वो प्राइस कंट्रोल को फॉलो करें, चिकन की शॉप्स को पर्टिकुलरली। अब ये देखिए, ये भी भाग गया, ये भी फरार हो गया, ये भी फरार हो गया, ये भी मेरे ख्याल में सब्ज़ी की दुकान थी। लेकिन आमतौर पर हमारा अब यही तरीका था है कि इसी विसिनिटी के ऊपर हम किसी दूसरी जगह पे प्राइस चेकिंग करेंगे, और ये जो तमाम लोग अभी भागे हुए हैं, थोड़ी देर में हम इनको दोबारा से चेक करेंगे। आप देख रहे हैं फातिमा बशीर एसी सिविल लाइन हमारे हमरा हैं, और हम ये देख रहे हैं कि और क्या सूरत हाल होती है। ये है कि पोश इलाका है कि एलिट क्लास लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मोल तोल करते नहीं हैं जब वो बाइंग करते हैं। तो इस मोल तोल ना करने की वजह से जो है वो दुकानदार जो है ना, उसकी वो हौसला अफजाई होती है कि वो अपनी मनमानी पिसल पर फरोख्त करता है। इसमें थोड़ा कसूर आवाम का भी। नहीं, आपकी तवस्त से मैं ये एक मैसेज है जो बार बार मेरे जहन में आता है, मैं कम्युनिकेट करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाते हैं और वो प्राइस लिस्ट नहीं देखते और ना ही इस पर उसका एग्जैक्टली पूछते हैं कि इतने महंगे दामों क्यों सेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग जिनकी बाइंग पावर कम होती है वो लोग सफ़र करते हैं। बिल्कुल यही बात है। बात ये है कि ये इलाका भी ऐसा है कि इसमें एक बंदा भी जो है ना वो भी आके बार्गेनिंग नहीं करता अपनी मर्ज़ी से जो भी होता है। इस तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के ऊपर आती है वो दूसरे तरीके से इस तरह आती है कि यही इलाका वो है जिसमें आपको लिटरेसी लेवल थोड़ा हाई मिलेगा। उन लोगों की ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो कानून को फॉलो करें और उसको इम्प्लीमेंट करने में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है कि आवाम की जानिब से भी जो है थोड़ा बहुत जो एक कोऑपरेशन होनी चाहिए वो कोऑपरेशन नहीं होती। लेकिन हम अमूमन जब अब्रॉड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका, तो वहाँ की मिसालें देते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। कि बहर हम आग मस्जिद आके चलते देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। साथ ही देख रहे हैं कि ऐसे सिविल लाइन के हम दोबारा उस जगह पर आए हैं जो लोग यहाँ से फरार हो गए थे, और फरार होने के बाद जो है यहाँ पे सिविल लाइन ने दोबारा यहाँ छापा मारा, और देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की तादाद है। मैं जा रहा हूँ बाजी, उसको कल जो नात आया था, आ जाओ। मैं इधर आओ ना, किधर जा रहे? तुम क्या आदी है क्या कि जब आते हैं पुलिस गाड़ी में बैठ जाते? सर नमाज पढ़ने गया था। नहीं है सर जी, नमाज पढ़ने गया था। बताओ ना उनको, बताओ नमाज पढ़ने गया ये भाई। आड़ू 200 रुपये। देखें, आप एक सिटीजन होने के नाते से इस इलाके में रहने के नाते आपको प्राइस लिस्ट के बारे में भी पूछना चाहिए और इनको इंसिस्ट करना चाहिए कि प्राइस लिस्ट को फॉलो करें। क्या किलो दे रहे हैं भाई? आपको जो ये प्राइस लिस्ट लगाई है, ये तरीका नहीं है इसको डिस्प्ले करने का। इसको प्रॉपरली यहाँ पे स्टैंड बना के क्लियरली लगाएं ताकि लोग इसको पढ़ सकें। मेरी बात सुनो, दूसरी बात ये कि अभी मैं तुम्हें एक फाइन इम्पोज कर रही हूँ, तुमने इस प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग सेल करना है ये सारा फूड। नेक्स्ट टाइम जेल होगी अगर यही कंडीशन मुझे दिखाई। वो ठेले वाले हैं जिनसे पहले हमने शॉपिंग कराई थी, ये एक एक केजी के पीछे 50-50, 60-60 रुपए का, अगेन ये लोग भी खत बता रहे हैं। और अभी जब हम प्राइस चेकिंग के लिए मार्केट में एंटर हुए तो ये सारे अपने ठेले यूँ छोड़ के भाग गए थे। ये हम आगे से जिस वक्त विजिट करके अभी वापस आए हैं तब आके हमने इनको पकड़ा है। 10,000 तो बहुत ज़्यादा है, इतनी हमारे मुनाफा नहीं है। 500-600 दिहाड़ी बनती है, यकीन करो खुदा की कसम, ज़्यादा नहीं करता है। भाई आप एक एक केजी के पीछे 60-60 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने शॉपिंग कराई है, आप आवाम का भी जरा ख्याल। भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये यूनस ले लेने की बात। केले क्या सकते हैं आप? केला 100 रुपये। 100 रुपये दे रहा ले क्या? बाकी सारे रमजान हाँ मुझे पता है, 100 रुपये में तो केला मिल दे ही नहीं सकता वो इस इलाके में। एसी सिविल लाइन जब उन्होंने यहाँ पर आए थे तो ये लोग फरार हो गए थे, और वापसी में दोबारा जब यहाँ आए तो इनको पकड़ाया। पकड़ने के बाद इनके जुर्माने आयद किए गए हैं क्योंकि इन पर ज़्यादा रेट पर बेच रहे थे। अभी ये मार्केट कम्प्लीट हो गई। आपने यहाँ से गिरफ्तारी भी की? नहीं, अभी अरेस्ट नहीं हुआ। यहाँ से अरेस्ट का ये प्रोसीजर है कि दो दफ़ा जब आप फाइन कर चुके होते हैं, थर्ड टाइम वॉयलेशन के ऊपर हम इन्हें अरेस्ट करते हैं। आपने अभी इनको तंबीह की है? जी तंबीह की है आपने। मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे तंबीह की है और कुछ लोगों को फाइन इम्पोज किया है।
हम आगे मजीद आगे चल के देखेंगे क्या सूरत हाल है। सरदार साहब मेरी बात सुनिए, आपको वो जो जेल वारंट तब देते हैं जब इन लोगों को हमने जेल कर दिया, इनमें से एक भी बंदा अभी जेल के लिए नहीं आया, ये तमाम लोग फाइन पे करेंगे जी। अगर रात तक ये फाइन पे नहीं करते तब आप इनको जाकर लॉकअप करना पड़ेगा, लॉकअप में ये होंगे, फिर आप जाओ या ये जाए वहाँ उनसे पूछना पड़ेगा। अभी आप फाइन देते हो तो ठीक है, नहीं देते मैं बंदे को भिजवाती हूँ, मैं थाने में बंदे को भिजवाती हूँ। हाँ ऐसा होगा। बैठिए नाजिर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलावल चौलंगी पे, ही सब डिवीजन सिविल लाइन का ही एरिया है और असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा बशीर मेरे हमरा हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक फोर फ्रोश की दुकान पे हम खड़े हैं और देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत है। आड़ू किस तरह के जी दिए हैं? 170 रुपये। और सेब किस तरह से दिए हैं? ये वाले तुर्की वाले सेब, ये 400 रुपये किलो। ये कहाँ के हैं? ये तुर्की वाले सेब। तुर्की से पाकिस्तान में सेब होना बंद हो गया क्या? आई डोंट नो सर। ये कौन सा? ये तुर्की वाले सेब, मेड इन तुर्की लिखा हुआ इस पे। आप मेरी बात सुनिए, आपको पता है ये क्या चीज़ है? ये लिस्ट कहाँ से इशू हुई है? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी। ऑप्शन पहली बात ये कि जिस वक्त मैं आई हूँ ये लिस्ट आपकी, वो जहाँ आपके पीछे शॉपर पड़े हैं उनके पीछे पड़ी हुई थी, वहाँ पे कौन आप टाइम जाएगा इसको देखने के लिए? यहाँ जो आपसे ख़रीदारी करने आते हैं वो वहाँ तक नहीं आते हैं, वो यहाँ पे खड़े होते हैं। खरीदारी जी क्या लेंगे? चाहिए किसी बाजिया जगह पे, जैसे केले दिखाइए इस तरह। मैडम एक्सक्यूज मी, जरा इनको जाने दो। ये बायर है, उनसे कहते हैं कि ये आप यहीं से लेते हैं सर? जी मेरा घर ही ऊपर है। अच्छा, क्या सूरत हाल क्या है इधर? इनके सूरत हाल क्या, पूरे कराची की सूरत हाल है। मैम तो यहाँ की प्रॉपर की ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा आम गरीब इलाके में जाएंगे उससे थोड़ा महंगा है, बाकी ठीक है। महंगा तो है, क्लिफ्टन डिफेंस में तो महंगा मिलेगा ना, ये समझते हैं यहाँ हम लोग ज़्यादा कमाते हैं। आपने रेट नहीं पूछा क्या सब दे रहे हैं? मैं कभी भी नहीं पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, औरतों का काम है, मैं तो समझान में निकलता हूँ, जो भी ईमानदारी से दे देते मैं ले लेता हूँ। ईमानदारी से क्या दिया तुमने? 127। 127 क्या रेट है? रेट है 127 बेटा। ये भी दे, चीकू भी दे दे, काटे देना। आपको किस तरह से, किस तरह से बता रहे हैं? मैंने मैडम दाम ही नहीं पूछा है, मैंने आपको ये कहा कि महंगा है, पर जिस जगह भी जाता हूँ महंगा ही है, इससे क्या था? एक बात सर जी, देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो सिंगल हैंडेडली प्राइस की इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं कर सकती। आप फ्रूट के कोई भी दाम अफोर्ड कर सकते होंगे, दैट इज़ द रीज़न कि आप उनसे पूछते नहीं और आप पेमेंट कर रहे हैं। मैंने पूछता था, फायदा नहीं, जिस जगह भी जाता हूँ एक ही रेट, अब घूम के पेट्रोल गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल ज़ाया करता हूँ, लेता हूँ उसी दाम में हूँ जो ये बोलते हैं, तो क्या दाम कम कराऊँ? चार जगह में आप चले, मैं आपको ले जाता हूँ, ये तो फिर भी इखलाक से बात करते हैं। उसने मुझे अंगूर का दाम बताया आज से दूसरे रोजे पे 1000 रुपये किलो है, तो मैंने उसको कहा था गरीब तो खाना छोड़ देना फ्रूट, बोलता अभी एक साइकिल वाला आके आधा किलो लेके गया, मैंने कहा अपने लिए नहीं ले सकते आधा किलो अंगूर 1000 रुपये किलो, तो अब मैं क्या इनसे दाम पूछूं? इसलिए मैंने सोच लिया कि पड़ोसी हूँ। कमिश्नर कराची की एक एप्लीकेशन डेवलप हुई है, एंड्रॉयड फ़ोन आजकल सबके पास होता है, वो अगर आप एप्लीकेशन डेवलप कर अपने डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल के ऊपर, उसे आपको डेली के क्या प्राइस सब्जी फ्रूट मीट इन तीन चीज़ों के क्या चल रहे हैं, बेकरी आइटम्स के भी, वो भी आपको पता चल जाएंगे। और एक कमिश्नर कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, वहाँ जस्ट आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है फलां जगह पे इतनी महंगे दामों चीज़ बिक रही है, और हमारे डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। आप सब कोऑपरेट कीजिए कि इनसे दाम का भी पूछिए और उसके मुताबिक लेने का। दाम पूछता हूँ आपने कायदे में पूछता हूँ, क्या दाम है इसका? इसका बीज का बेटा, आड़ू आड़ू ताज़ा है नरम वाले? नहीं ये तो ये अभी सीज़न नहीं है, ये सारे कोल्ड स्टोरेज के। क्या चीज़? आड़ू आड़ू कोल्ड स्टोरेज में नहीं होता है अभी भाई, पैदे की बात नहीं कर रहा हूँ यार, कोल्ड स्टोरेज आए, ये इसके सीज़न नहीं है, सीज़न नहीं है, ये सीज़न तो सिर्फ कितनी का बता रहे हैं आप? क्या चीज़? आड़ू कितने? 169 रुपये 70। यही तो कह रहा हूँ कि आप भी आज फायदे में आ गए। मैं तो बेटा महंगा भी ले लूँगा, ये गरीब लोग क्या करेंगे? आपके ही लोग इन्फॉर्म करते हैं, हाँ ये लोग आ रहे हैं, भाग जाओ। नाज़रीन देख रहे हैं कि ये तमाम की तमाम दुकानें वजह वो भाग गए हैं और यहाँ पर तमाम
लोग भी ये कह रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन के बाद भाग जाते हैं, जिसपे कि यहाँ पर जो मीज़ान है उसको जब्त किया जा रहा है। ये ले, ये उठाओ, ये उठाओ, ये मीज़ान उठाओ, ये मीज़ान उठाओ, मिटाओ, चलो मिटाओ, उठाओ, ये भी उठाओ, चलो चलो, बेहतर यही है कि मीज़ान इनका उठा लिया जाए। अंदर से बंद किया, ये मेरे ख्याल में दुकान बंद है, ये फुटपाथ पे इसने लगाया हुआ, दुकान भी इसी की है। देखिए ये फरार हो गया, अच्छा बजे के बाद जल्दी भागा, ये देखिए सारे गोश्त वोश भी यहीं रखा हुआ है, इसने गोश्त वगैरह भी काट के ही नहीं रखा हुआ। चले जी, ये भाग गया, बंद नहीं है दुकान, भाग गया, चोर होगा ना तभी तो भागा है। नाजिर मेट्रोमान ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा, हमने मारू मुबारक में प्राइस चेकिंग के हवाले से मुख्तलिफ सब डिवीजन पे हमने आपको पहले रोज़े से दिखाना शुरू किया। आज हम मौजूद हैं सब डिवीजन सिविल लाइन पे, सिविल लाइन के ये इलाका है क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, ब्लावल हाउस के करीब है चाइना टाउन, वो फेमस है चाइना टाउन। यहाँ पर हमारे साथ सब डिवीजन की असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो फातिमा बशीर भी मेरे हमरा थी, और हम इनसे पूछ लेते हैं कि आज की जो भी प्राइस चेकिंग हुई है उसकी क्या कहना चाहेंगे आप। प्राइस चेकिंग की जो हमने सारी एक्टिविटी आज के दिन में हुई है वो आपकी कैप्चर, आपके कैमरा में आज कैप्चर हुई है। बहुत से लोगों को हमने सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों के ऊपर हमने फ़ाइन भी इम्पोज़ किए हैं, लेकिन आज आपके तवस्सुत से, आपके कैमरा के तवस्सुत से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ पब्लिक को एट लार्ज कि हमें थोड़ा सा जो उनकी एंड के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको पूरा करें। और जिस वक्त आप जैसे मीट शॉप्स हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट हैं, आप उन शॉप्स पे जाते हैं या बेकरी आइटम्स हैं इवन, तो जो एक नोटिफाइड डेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं उसके बारे में पूछें कि वो डिस्प्ले भी होने चाहिए और उसकी उसको फॉलो भी किया जाए। ये उनकी कंट्रीब्यूशन होगी पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए और प्राइस रेट्स की इम्प्लीमेंटेशन में। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि जैसे अभी एक बायर ने कहा कि मैं रेट नहीं पूछता, हर जगह महंगी चीज़ें हैं, तो ये खौफ क्यों नहीं पैदा होता है? आप लोग इतने ज़्यादा डेली तकरीबन आप लोग सर्वे करते हैं, अभी खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा? एक्चुअली देखिए इसके पीछे बहुत सारी, आप सिर्फ खौफ की बात कर रहे हैं बट इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी नोटिफाइड पूरे कराची में कितने प्राइस मजिस्ट्रेट्स होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 3 दर्जन आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा प्राइस मजिस्ट्रेट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कराची की आबादी देख लीजिए और शॉप्स जितनी हैं, हम लोग डेली बेसिस के ऊपर 2-2 दफ़ा प्राइस चेकिंग की जा रही है। तो वी ट्राई कि जो हमारे जो कानून जिस तरह से है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नाजिन मैं इब्राहिम साहब से भी पूछना था, वो क्योंकि साथ है, 2 अल्फाज वो भी कह रहे हैं, हाउ यू फील, कि कैसे आपको लगा एलीट इलाके में प्राइस चेकिंग? देखिए एलीट इलाके में सबसे जो बड़ा पॉइंट ये होता है कि इनको पता होता है कि प्राइस लिस्ट कहाँ से मिलती है और सबके पास मौजूद होती है। पसमानदा इलाकों में ये होता है कि वो कहेंगे हमें पता ही नहीं है, या हमारे फ़ोन में जो है इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है वगैरह, तो यहाँ पे वो मसले एटलीस्ट नहीं होते। तो बड़ा क्लियर कट एक होता है कि अगर आपने जो है प्राइस लिस्ट नहीं लगाई तो आपको फ़ाइन ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि यहाँ की जो आवाम है वो थोड़ी हाई एंड है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस से, वो अक्सर देखते भी नहीं हैं, तो इस वजह से वो दुकानदार भी थोड़े लैक्स हो जाते हैं, वो भी नहीं लगाते। तो हम आवाम को भी ये कहना चाहेंगे कि बेशक मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन बाकियों के भले के लिए अगर आप ये प्राइस लिस्ट वगैरह का मुतालबा कर लें तो सबको जो है इससे फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात है। नाजिम मैं प्रोग्राम को एंड कर रहा हूँ, फातिमा बशीर एसी सिविल लाइन सब डिवीज़न की जो है वो मौजूद हैं, और इब्राहिम अरबाबी। सवाल ही पैदा होता है कि आवाम की जानिब से शिकायतें होती हैं, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब किसी महंगे दुकान बेचने वाले पे आप जाते हो तो वहाँ के मोहल्लेदार आ जाते हैं और वो उस दुकानदार के, उस बिजनेसमैन के, या जो भी ठेला फरोश होता है, मुर्गी फरोश होता है, उसकी फेवर शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। यकीनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि वहाँ पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर भाईचारगी और थोड़ा मोहल्लेदारी की भी जो है ये सामने आ जाती है, लेकिन वही लोग फिर इंतज़ामिया को गालियाँ भी बकरे होते हैं और हुकूमत को भी गालियाँ बकरे होते हैं कि वो महंगाई पर काबू नहीं पड़ रही। तो मैं दोबारा इसी बात पर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इंतज़ामिया के साथ, मजिस्ट्रेट हो, मीडिया के साथ ताबुन करें, ताबुन नहीं करेंगे तो ये ग्राफ उसी कभी भी ख़त्म नहीं होती। इंशाल्लाह कल हम आपको किसी और मार्केट में वहाँ की सूरत हाल बताएंगे।